मुंह बंद कर लो, मच्छर घुस जाएगा। मैं आए खिंचवा लो, मेडिसिन की बात है। अच्छा, अरे यार उसके पास में जाओ। उसके कंधे पे हाथ रखो, तुम्हारी बीवी है। शिखा तुम भी उसकी कमर पे हाथ रखो ना। हाँ स्माइल स्माइल। बस काफी डोज हो गए मेडिसिन्स के, अब तो काफी है इतना, है ना? आज रात की रुपेश अंकल की दवाई का डोज तो मैंने क्लिक कर लिया, बस अब उनको मैं सेंड करके आती हूँ। ओके अंचन, दोनों को ऐसे खुश देखकर सारी परेशानी गायब हो जाती है एकदम। अब नींद आएगी? बिल्कुल आएगी। और कांचन कल से तो और तस्वीरें आने लगेंगी। चल सोते। किसे ढूंढ रही? मैं यही हूँ। किसी को नहीं? हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज डू नॉट फील शाय एंड जस्ट हिट द ट्रैक एंड डांस। जो भी कपल सबसे अच्छा डांस करेगा, दे विल बी द किंग एंड क्वीन ऑफ दिस नाइट। सो कम ऑन गाइस, मेक सम नॉइस। गाइस तुम्हें पता है, मैंने पूरे फ्लोर पे देख लिया, तुम दोनों से ज्यादा बेस्ट कपल ना कोई नहीं है। एंड आई एम डैम श्योर तुम दोनों से ज्यादा बेस्ट डांसर भी ना कोई नहीं हो सकता। So, ये मास्क लो और बस विन द शो। लेकिन डांस तो अभी। अरे कम ऑन यार, रुपेश अंकल के लिए यू कैन डू इट। दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। चलो चलो कम ऑन। क्या था ये? ईशु के पापा यहाँ कुछ है। इधर दिखाओ कंचन, दो मुझे दिखाओ जरा। नमस्ते। Excuse me, यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? अरे यार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो, तभी तो इस शाम का मजा आएगा। Start. Okay, okay.
जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था, जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था, चांद को जब भी देखूं तो तेरा अक्स दिखाई देता था, पल को पल को लम्हा लम्हा बस तेरा चेहरा दिखता था, तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा वर्सेस ड्रेस में ये ड्रेस मुझे तुम्हारी वजह से पहनना पड़ा। मेरी वजह से ही सही, लेकिन यू आर लुकिंग स्टनिंग। देखो ऐसा है, फोटो में ना सिर्फ शक्लें दिखाई देती, बातें नहीं सुनाई देती, तो छोटी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वरना वरना क्या वरना क्या और क्या कह रही थी? मेरी वजह से तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा बैग गया, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गए। इनफ इज इनफ, कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, एक्स्ट्रा होशियारी तुमने दिखाई थी। अच्छा, और तुमने एक्स्ट्रा बुद्धू के क्या कहा? क्या परफेक्ट कहा है तुमने, क्या माइंड ब्लोइंग पार्टी है। प्लीज एंजॉय द पार्टी, प्लीज प्लीज एंजॉय 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 प्लीज। आप तो क्या कह रही थी तुम? मैंने कहा एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से ही हुआ था। देखो अगर तुम भूल चुकी हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ड्राइवर को नींद आ रही थी, मैंने उससे कहा था कि कार में ड्राइव कर लेता हूँ, संभालना उसको चाहिए था, ठीक है? तो तुम्हें संभालना चाहिए था ना, तुमने क्या किया? कमाल का टैलेंट है तुम्हें, कमाल का टैलेंट है, मतलब हर सिचुएशन में तुम्हें मेरी मिस्टेक मिल ही जाती है। वेरी नाइस, वाकई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चाहे कितना भी अपना चेहरा छुपा ले शिका, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल आज मैं तुझे अपने इशारे पे नचाता हूं। Let's dance. रणवीर जी, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी ऐसे हालात में हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि रिश्ते को कैसे निभाऊं। बट अब मुझे लगता है कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। डांस कर, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, याद है ना? चुपचाप डांस कर, चल कम ऑन। ताकि मैं रुपेंद्र और शिका का ये हनीमून ट्रिप बर्बाद कर सकूं।
I'm so sorry, please. What sorry? अगर compete करना है तो तरीके से करो, वरना जाओ, बैठ जाओ वहाँ। और ये dance floor का space है ना, सब waste मत करो। Loser. हाँ? हिम्मत कैसे हुई उसकी? इशिका, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो अब जाना। नहीं, ऐसे कैसे? Nobody can call me loser. शुभेंद्र सिंह वगैरह दिखा देते हैं उनको कि बेस्ट कौन है। Are you sure? I've never been more sure. I just want to win. क्या तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? Just wait and watch. चल डांस कर। रणवीर जी, मुझे ना बहुत भूख लग गई है, हम लोग खाने चलते हैं। तो जाके खाना खा ले रूम में, रूम सर्विस से खाना मंगवा लेना। चल जा, गो। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आज की शाम आप सभी ने बहुत ही हसीन बना दी है अपने डांस से और अपने अंदाज से। सो अब वक्त आ चुका है रिजल्ट अनाउंस करने का। तो आज के बेस्ट डांसिंग कपल है एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर एंड मिसेज रुपिंदर सिंह वाघेला। तुमने देखा कौन लूजर है? वैसे जितनी भी कोशिश कर लेते लेकिन जीत नहीं पाते, है ना? तुम्हारे यही कॉन्फिडेंस, यही गो गेटर एटीट्यूड से मुझे प्यार हो गया था इशिका। अब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों यहां पे आए और एक दूसरे को शैश पहनाएं। रिश्ता था, रिश्ता था।
ज्यादा ही मजा ले रहे हैं शाम का। लगता है रंग में भंग लाने का टाइम हो गया है। So happy. मेरी वजह से। Whatever. अच्छा मैं अभी। All right. खुद कैसे बोल रहा था? मेरी वजह से जीत। ऐसे कभी नहीं बोला कि हम दोनों की वजह से जीती। बस अपने आप। Excuse me. मैं ये वॉशरूम आई थी। अच्छा ठीक है, तुम वॉशरूम आई थी ना, तुमने हेयर मेकअप ज्वेलरी सब ठीक कर लो, नीचे नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अच्छा तो प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ ना यार। अभी तुम उधर देख रही हो, तुम्हें मैं ही लेकर चलती हूँ। चलो तुम। क्या कर रहे थे आप? तुझे मैंने कहा था रूम सर्विस से खाना ऑर्डर कर लेना, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे रूम में होना चाहिए था। चल जा रूम में, रूम में जा। तुझे तो मैं रूम में, मैं खुद नहीं जाता। चल चल। So guys, best dancing couple competition खत्म हो चुका है, so now let's play a fun game. लेकिन ये तो बताइए, ये गेम है क्या? हाँ हाँ सब बताता हूँ। इस नए गेम में सारे कपल्स अपने पार्टनर्स के साथ डांस करेंगे, लेकिन इस गेम में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जब भी म्यूजिक चेंज होगा तो आपका डांसिंग पार्टनर भी चेंज होगा, यानी आपको अपने नए डांसिंग पार्टनर के साथ डांस करना पड़ेगा। सो आर यू रेडी गाइस? सो गेम शुरू करें। साउंड प्लीज। मेरी नहीं तो किसी की नहीं, समझे? ये कौन है? मैं पहचान गई हूं तुम्हें। जी प्रॉब्लम है, बताओ ना। उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी सी थी। चेहरा? कौन सा चेहरा? किसकी आवाज? किसकी बात कर रही हो? कौन? कुछ नहीं, मैं मुझे कमरे में जाने। लेकिन इशिका मेरी बात तो सुनो प्लीज। इशिका एक फोटो। गीत, आजकल काफी फोटोज हो गए हैं। इशिका बहुत डिस्टर्ब है, नेक्स्ट टाइम। एक्सक्यूज मी।
ये तो डे वन था तेरे हनीमून का, डे टू तो होने दे। तेरा ये हनीमून पैकेज खत्म होने से पहले ही तुम दोनों पैकअप करके लौट जाओ। कांचन, नींद नहीं आ रही है? आप भी तो नहीं सोए नहीं शुक्र पापा। इतने सालों से हम इस घर में रहे, इतने सालों में हमारे साथ ऐसी डरावनी अनहोनी घटनाएं कभी नहीं हुई। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी साजिश है। बस बहुत सह लिया, अब और नहीं। क्या कर रही हो? अरे बड़ी जो जज्बाती हो, कोई कदम मत उठाओ प्लीज। जब पता नहीं बाहर कौन सी मुसीबत हम लोगों का इंतजार कर रही है, थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के। हम बस सोचते रह जाएंगे ईशु के पापा, और ये लोग हमारी जिंदगी बद से बदतर करने में कामयाब होते चले जाएंगे। कंचन, हम समझते ही नहीं। भगवान पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखो। ये लोग हमें तकलीफ जरूर दे सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं डिगा सकते। इशिका से रणवीर की शादी को भी रोका ना हम लोगों ने, वो भी तो भगवान की एक कृपा थी कांचन। तो बस भगवान ही हमें इस मुसीबत से निकालेगा। बाहर तो हम आपको निकालेंगे इस घर से, वो भी बहुत जल्द। एकदम बराबर बोले, चाहे जो भी करना पड़े, जब तक ये चांद और चकोरी इस घर से बाहर नहीं निकल जाते, हमें अपने पैतरों और चालों में कोई कमी नहीं करनी है। ऐसा खौफ पैदा करूंगा कि कल ये दोनों सर पे पैर रख कर यहां से भाग जाएंगे। प्रफुल्ल, तेरा कर्तव्य दिखाने का वक्त आ गया है, पता है मैं क्या करना है? इशिका, इशिका बताओ तो सही, बात क्या है? कहाना कुछ नहीं है, मैं शायद कुछ ऐसी इमेजिन कर रही थी, थक गई हूँ इसलिए शायद। मैं चेंज कर लेती हूँ, सोचाऊंगी फिर कल शायद कुछ बेटर फील करूंगी। लेकिन मेरे यस प्लीज सर, हाउसकीपिंग। या प्लीज आइए। हेलो, हाँ मम्मी, हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा। हेलो जी मम्मी, गुड नाइट। हाँ जी जी, एक्सक्यूज मी, ये रूम क्लीनिंग में इंक्लूडेड है या? थैंक यू मैम। नाइस, सो कैसा लगा, सरप्राइज? तुम क्या बोलोगे, बट यार ये कैंडल्स, ये लाइट, ये परफ्यूम, वाओ, है ना? सो जॉय, लव बर्ड्स, एंड हाँ, इशिका को रात को ज्यादा परेशान मत करना, एंड जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। बाय। जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था,
जब सुनता था।